यूपी के फिरोजाबाद में भीषण आग ने दो बच्चों की जान ले ली। दो लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। मामला है थाना जसराना के गांव खदित का है। फिरोजाबाद जिले के गांव खदित में देर रात करीब 11 बजे भीषण आग ने ऐसी तबाही मचाई कि दो मासूम जिंदगी काल के गला समा गई। बताया जाता है, समील नामक व्यक्ति अपने तीन बच्चे और पत्नी के साथ झोपड़पट्टी में सो रहा था। इसी दौरान अचानक झोपड़पट्टी में भीषण आग लग गई, जिससे आग की चपेट में आने से 1.5 साल अनीश और 2.5 साल की रेशमा की जलकर मौत हो गई, जबकि 5 साल की सामना लड़की और उसका पिता सलीम गंभीर रूप से झुलसे हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं घायल व्यक्ति और परिजनों की माने तो किसी ने जांच में तीन बच्चे आए हैं जले हुए अवस्था में, जिसमें से दो बच्चों की मृत्यु हो गई है। एक बच्चा जो है वो भी लगभग 100% जला हुआ है, और उसको प्राथमिक उपचार करने के बाद हम लोग वो बर्न वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। उसकी भी हालत गंभीर है। एक व्यक्ति भी कोई घायल है? हाँ, तो वो तो हम तो पीडिया से आए हुए हैं ना। देखिए, आज थाना जसराना के गांव खड़ीत के पास एक बंजारा बस्ती है, उसमें आज एक झोपड़ी में रात्रि लगभग 10:30 बजे के आसपास आग लग गई, और आसपास के लोगों ने तत्काल उसमें आग बुझाया, लेकिन तब तक एक परिवार के एक पुरुष और तीन बच्चे बुरी तरह झुलस गए थे। आसपास के लोगों ने तत्काल उन लोगों को यहाँ लाकर अस्पताल, जिला अस्पताल पहुँचाया। यहाँ पे इलाज के दौरान उसमें दो जो छोटे बच्चे थे उनकी डेथ हो गई है। एक बच्ची और जो बच्चों के फादर थे उनका इलाज अभी चल रहा है, वो भी गंभीर है। वहाँ पे हमारी टीम मौजूद है, हम लोग इलाज की देखभाल कर रहे हैं, और बाकी जो इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो हम लोग इस तरह से